हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने कि वुजिन ने लिंग चेंग को प्रपोज कर दिया था और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहता हूँ। हेलो गाइस, आपका थैंक यू सो मच कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वुजिन की ये बात सुनने के बाद में कि वो उसको डेट करना चाहता है, लिंग चेंग गुस्साते हुए वुजिन के मुंह पे एक घूंसा मारती है, बूम, और उससे कहती है, तुम औरतों को हासिल करने वाले आदमी दोबारा बेइज्जती हो गई दोस्तों। फिर सीन चेंज होता है और वुजिन के ऊपर गुस्साते हुए बोलती है, तुम्हारे पास पहले से इतनी सारी महिलाएं हैं और फिर भी तुम मुझे हासिल करना चाहते हो। वैसे ये बात तो सही बोली है, बेचारे जिनके पास नहीं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और अगले सीन में दिखाते हैं कि लिंग टैंक का घूसा खाने के बाद में वुजिन वहां पे अपना मुंह पकड़े हुए चिल्ला के कहता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। ओए होए, ये मर्दानी बात होती दोस्तों, इससे क्या फर्क पड़ता है कितनी लड़कियां मेरे पास, संभालने की औकात है तो संभाल लेते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और वुजिन कहता है, मेरी तरफ देखो, मैं इतना लंबा हूँ, देखने में भी कितना अच्छा हूँ, और मेरी बॉडी भी कितनी ज्यादा मजबूत है, और मेरी पावर अपने हाई पीक पर है। जब मैं इतना अच्छा हूँ तो मैं और अच्छा हो सकता हूँ। ये बात एक नंबर बात बोली भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर अगले सीन में वुजिन कहता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर मेरी औरतों को कोई धमकाने की कोशिश करता है तो मैं बदला लेने वाला पहला इंसान होता हूँ। कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत के ऊपर बोलने की। दोस्तों आज तो वुजिन सनक गया भाई साहब, बेइज्जती हो गई ना, दो बार हो गई वो भी, इसलिए यहाँ तो हद इसने एकदम पार कर दी है। और अपने सामान पे हाथ मारते हुए कहता है, इसके अलावा मेरी छोटी चिड़िया भी काफी मजबूत है, बहुत पावरफुल है। अबे भाई यार, इस राइटर की और कॉमिक ढूंढनी पड़ेगी मेरे को, मस्त एक नंबर है। फिर इसके बाद दिखाते हैं कि वुजिन वहाँ बैठ जाता है और लिंग टेंग से कहता है, मैं बस यही चाहता हूँ कि सभी सुंदर औरतों को एक घर दिया जाए, ये कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आई गजब, क्या बात दोस्तों, एक आंदोलन, सुंदर औरतें एक घर। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वुजिन बग्गी के बाहर की तरफ अंगूठा करके बोलता है, अगर ऐसी बात है तो एक ऐसा इंसान खोजो जो आपके साथ मुझसे अच्छा व्यवहार करे, यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाती हैं तो मैं हार मान जाऊंगा। मतलब देख रहे हैं दोस्तों क्या कॉन्फिडेंस लेवल है भाई साहब, ऑसम। वुजिन की ये सब बातें सुनने के बाद में लिंग चेंग थोड़ा सोचते हुए कहती है, क्या मैं सिर्फ अकेले नहीं रह सकती हूँ, मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और अगले ही सीन में दोस्तों वुजिन इसकी ये बात सुनने के बाद में एकदम से इसके पास आकर इसके चेहरे को वैसे पकड़ लेता है पहले जैसे, और उसके पास एकदम करीब आते हुए कहता है, बिल्कुल रह सकती हो तुम, अकेले रहना बिल्कुल चुन सकती हो, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो। और इसकी ये हरकत देखकर लिंग टैंग जैसे देख सकते हैं कितना शर्मा गई, बिल्कुल शाय बुरी तरीके से ब्लश कर रही है। और फिर दोस्तों अगले सीन में दिखाते हैं कि वुजिन लिंग टैंग को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और बुरी तरीके रोते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा, अरे मेरे बच्चे, वो बेचारे कहां तुम्हारे बिना। और वुजिन की इस हरकत से लिंग टैंग और ज्यादा ब्लश करने लगती है और उससे कहती तुम। और दोस्तों वुजिन यहाँ रुकता नहीं है और उसके कंधे पे सर रख के रोने लगता है, नहीं प्लीज अच्छा मत करो बेबी, प्लीज समझने की कोशिश करो। और इसकी ये हरकत देखते हुए लिंग टैंग मन में सोचती है, धत तेरे की, मैं उसे खुद को समझाने नहीं दूंगी कि नहीं वो मेरे लिए अच्छा है। दोस्तों ये ऐसी नाव पे बैठी हुई है जो लुढ़क रही है इधर उधर इधर उधर, ये खुद नहीं डिसाइड कर पा रही है जाना कहाँ है, इनका मन एक तरफ वुजिन के पास कर रहा है, एक तरफ अकेले रहने का। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो बग्गी चल रही होती है, एकदम से वो रुक जाती है। फिर अगले में वुजिन कहता है, ओह क्या हो गया, गाड़ी क्यों रुक गई है। और दोस्तों ये मौका देख के लिंग टैंग नीचे उतरने की कोशिश करने लगती है और तभी वुजिन उसको रोकते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ रहना पसंद करती हो तो तुम जो चाहती हो वो करो। और अगले ही सीन में वुजिन को पूरी तरह फुल्ली इग्नोर करते हुए लिंग टैंग कठोर लौंडिया निकल जाती है बाहर। और दोस्तों जितनी स्पीड में गई थी उतनी रफ्तार में एकदम से पीछे चली आती उसी के पास में और उसके पास आके कहती है, वुजिन धत तेरे की, हुई गवा कमाल, आगे डकैत खड़े हैं सड़क पे। मतलब देख रहे फटी तो वापस वुजिन ही सिलेगा। वुजिन इसकी ये बात सुनने के बाद शॉक्ड हो जाता है, क्या डकैत, ऐसा नहीं हो सकता। फिर इसके बाद वुजिन उस बग्गी में से झांक के देखता है, क्या डकैत है क्या। और हमें दिखाया जाता है कि आगे की तरफ 10-15 लोग एक साथ सड़क के बीचों बीच खड़े होते हैं जो कि अपनी घोड़ा बग्गी को जाने से रोक रही होती है। तभी हमारा सीन बदलता है और वहाँ पे दिखाते हैं कि जो डकैत होते हैं वो डीमन बीस्ट होते हैं और उसमें से एक डीमन बीस्ट बोलता है, तुम व्यापारी कहाँ से आए हो, क्या तुम लोग इस जमीन के
कानून को नहीं जानते हो। और दोस्तों फिर सीन चेंज होता है और दिखाते हैं कि उसमें से उनका लीडर सामने आता है और वो इन लोग की तरफ चिल्लाते हुए कहता है, जब तुम लोग गहरे दलदल के राज को पार करते हो तो आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप सम्राट चुआन को रिपोर्ट ना करें। तभी उस डीमन बीस्ट की बात सुनने के बाद में वुजिन की तरफ से कोई चिल्ला के कहता है, सम्राट चुआन ई, उसके बारे में कभी नहीं सुना, ये बस यहाँ से निकलने वाले लोगों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। और दोस्तों फिर उसके बाद सीन बदल जाता है और वही खुजली वाला एल्डर, आपको तो याद ही होगा, अब लेकिन पहले वहाँ पे बुड्ढा दिख रहा था, अब यहाँ जवान कर दिया राइटर ने वो कैंगशेंग से कहता है, सेक्ट लीडर कैंगशेंग, उन लोगों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने अभी तक अपने ह्यूमन फॉर्म को पूरी तरह से नहीं ला पाए हैं। और कैंगशेंग उस गंजे की बात सुन रहे होते हैं। तभी उस गंजे की बात सुनने के बाद में उसमें से एक डीमन बीस्ट बोलता है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ मुझे ये पता है, एक ऐसे बूढ़े पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है जिसके लगभग सारे के सारे बाल झड़ चुके हैं। अब तो भाई डीमन बीस्ट ने भी इसे गंजा बोल दिया दोस्तों। उस डीमन बीस्ट की बात सुनने के बाद में वो गंजा टकला एल्डर एकदम गुस्सा आ जाता है, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गंजा कहने की। भाई तो क्या कहा जाए, गंजे को गंजा ही तो कहा जाएगा। उसको इतना ज्यादा गुस्साते हुए देखकर कैंगशेंग उसे रोकते हुए कहता है, मेरे दोस्त हम बस यहाँ से गुजर रहे हैं, तुमको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर कहता है, प्लीज मुझे बस इतना बताओ कि तुम कितने रुपए चाहते हो यहाँ से हमें जाने देने के लिए। और दूसरी तरफ वो मगरमच्छ मुस्कुरा रहा होता है चल वे गंजे मुर्गी चोर। तभी उन क्रोकोडाइल डीमंस का जो लीडर होता है वो सामने आकर कहता है, ऐसा लगता है कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो नियमों को अच्छी तरह से जानते हो। फिर वो कैंगशेंग से कहता है, क्योंकि तुम पहली बार यहाँ से गुजर रहे हो और इस जमीन के कानून के बारे में नहीं जानते हो, मैं आपसे एक गोल्ड कोर कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल पावर मांगता हूँ यहाँ से निकल के जाने के लिए। और अगले सीन में दोस्तों कैंगशेंग उससे कहता है, तुम स्पिरिचुअल पावर चाहते हो। और दोस्तों दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो उनके साथ लोग आए हुए होते हैं वो भी इस बात को सुनने के बाद बिल्कुल घबरा जाते हैं और गुस्साते हुए कहते हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये हमें साफ दिख रहा है कि तुम हत्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी अगले सीन में दिखाते हैं कि दूसरा आदमी चिल्ला के कहता है, ये किस प्रकार का दुष्ट संगठन है जो इस तरह की जाहिल भरी बातें कर रहा है। और फिर सीन चेंज होता है, दूसरी तरफ हमको वुजिन को दिखाते हैं। वुजिन ये सोच रहा होता है, सम्राट चुआन ई, यह नाम इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। और अगले सीन में वुजिन उसे याद करने की कोशिश करते हुए कहता है, ओ हाँ याद आया मुझे, वो चीज खेल में एक मॉस्कॉट एनपीसी गाइड है, लेकिन उसके इतने ज्यादा मानने वाले कैसे हो गए। फिर वुजिन घोड़ा बग्गी का पर्दा हटा के बाहर निकलते हुए आता है और बाहर निकलने के बाद में सिस्टम की तरफ देख रहा होता है और दूसरी तरफ सिस्टम भी उसको देख रही होती है और छोटी सी स्माइल दे रही होती है। और तभी वुजिन एकदम से जंप करके सिस्टम के पास आ जाता है और सिस्टम के पास आने के बाद में उसके चेहरे को प्यार से पकड़ता है और कहता है, मुझे मत बताओ ये तुमने किया है मेरी बेबी। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और यहां तक वीडियो देखने के बाद में भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया तो प्लीज गाइस आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।